नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से जो है जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें आपके टीजीटी और पीजीटी के पदों पर जो नई भर्ती प्रक्रिया आपकी होने वाली है 2020 में, उसके संबंध में ये वीडियो बनाया गया है ताकि आपको जो है कंफ्यूजन दूर हो सके। और इस वीडियो के माध्यम से आपको क्वालिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, टीजीटी और पीजीटी की अलग अलग जो रिक्तियां हैं उनके बारे में, और आपका एग्जाम पैटर्न जो नए सिलेबस पर आधारित है वो किस प्रकार से है, तो वीडियो को पूरा देखने के बाद शेयर जरूर करें। और दोस्तों, यहां पर यदि बात की जाए कि आपके 16,554 पदों के लिए जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से विज्ञापन निकल सकता है, और ये जो विज्ञापन है इसके जो फॉर्म है आपके, ये देखिएगा सेप्टेम्बर माह में जिस तरीके से जानकारी दी गई है, 9 सदस्य का प्रतिनिधि मंडल जो है उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के अध्यक्ष जी से मिलने के लिए पहुंचा था, जिसमें ये जानकारी प्राप्त करना चाहते थे कि आखिरकार कितने ही वर्षों से जो रिक्त पड़े हैं पद टीजीटी और पीजीटी के, उन पर भर्तियां क्यों नहीं हो रही है। तो वहाँ पर जानकारी दी गई नवल किशोर जी के माध्यम से कि आपके लिए जो भर्ती के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म जो चाहिएंगे तो सॉफ्टवेयर जो है आपका तैयार हो रहा है, और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये जो है भर्ती प्रक्रिया की ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, और इसमें लगभग एक माह का आपका समय लगेगा। तो आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये सितंबर में आपकी आरंभ हो जाएगी, और इसके लिए आवेदन करने के जो इच्छुक विद्यार्थी हैं वो देख सकते हैं कि टीजीटी के 11,240 पद हैं और पीजीटी के 5,308 पद हैं, कुल मिलाकर 16,554 पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया आपकी होनी है। यहाँ पर बात की जाए कि आपकी जो टीजीटी और पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो मैं सबसे पहले आपकी जो एज लिमिट के बारे में काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं, तो एज लिमिट, मिनिमम जो एज लिमिट है वो आपकी देखिएगा यहाँ पर 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष आप कंप्लीट कर चुके हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम के बारे में जो है 42 वर्ष तक आपकी ली जाएगी एज लिमिट, और अन्य कैटेगरी के लिए विशेष छूट आपको दी जाएगी। यहाँ पर बात की जाए आपकी जो योग्यता है उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर पहले मैं जिक्र करूँगा टीजीटी के लिए और साथ ही साथ पीजीटी के लिए भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। टीजीटी के लिए आपके पास जो है बीएड होनी चाहिए प्लस ग्रेजुएशन, आप सभी समझ सकते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही आपकी बीएड होगी, तो बीएड पास होना चाहिए। इसमें टीईटी की जो आपकी क्राइटेरिया है अर्थात टैट, सीटैट या यूपी टैट आपके पास होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपके पास यदि आपने क्वालिफाई नहीं भी किया है तो आप टीजीटी के लिए योग्य हो। इसमें क्या होगा, अहम होता है आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन। तो सब्जेक्ट में कहा गया है, आयोग की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि 2 ईयर्स आप आपके जो यूजी अर्थात ग्रेजुएशन के 2 ईयर्स हैं उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट उनमें रहा हो कम से कम 2 वर्षों में, तो आप उस सब्जेक्ट से आवेदन कर सकते हैं टीजीटी के लिए। पीजीटी के बारे में यदि बात की जाए तो कम से कम आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और मिनिमम जो है आपके पास जो है 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसमें टीजीटी में आपके जो है मिनिमम जो मार्क्स हैं वो 50% होने चाहिए। यहाँ पर बात की जाए कि आपका जो केवल एक सब्जेक्ट है जो पीजी में आपके पास रहा हो, साथ ही साथ आपका जो सब्जेक्ट है वो ग्रेजुएशन में भी आपके पास रहा हो, तो आप जो है इससे अपना आवेदन कर सकते हैं और केवल आपसे एक ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर बात की जाए कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें कुछ और भी आपको चाहिए होगा, तो देखिएगा विशेष इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स के मत थे कि क्या इस बार से बीएड लागू होगी, तो नहीं चाहिए होगी आपके लिए बीएड। यदि आपके पास बीएड, एमएड या पीएचडी वगैरह कुछ है तो उसके लिए विशेष बेनिफिट आपको दिया जाएगा, जो मैं अभी आपको पैटर्न में समझा रहा हूँ। तो पैटर्न की यदि बात की जाए कि एग्जाम पैटर्न आपका किस प्रकार से होगा, तो देखिएगा यहाँ पर 2 प्रकार से आपको जो मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी जो लिखित परीक्षा होगी उसके आधार पर आपका जो सिलेक्शन होता है वो आपको जो है 85% का मानक माना जाता है। आपके 100% में से 85% आपकी लिखित परीक्षा होगी, और इसके बाद जो आपको जो है 5% का जो वेटेज है वो मिलता है, और ये जो वेटेज है विशेष योग्यताओं वालों को मिलता है, जैसे आपने यदि बीएड किया हुआ है
तो आपको जो है 1% मिलता है, एमएड आपने किया हुआ है तो आपको जो है 2% मिलता है, और पीएचडी आपने की हुई है तो भी आपको जो है 2% मिलता है, या आपका जो स्पोर्ट है उससे रिलेशन है, या कोई विशेष एनसीसी वगैरह या कुछ आपने किया हुआ है जैसे एनसीसी या एनएसएस वगैरह हो, तो उसके लिए भी आपको जो है यहाँ पर 1% का वेटेज मिल जाता है। मैक्सिमम जो वेटेज है वो आपको 5% तक ही मिल सकता है, इससे ज़्यादा वेटेज आपको नहीं मिल सकता है। तीसरी बात जो की जाए तो आपका जो है इंटरव्यू यहाँ पर होता है, और इंटरव्यू में जो आपके जो मार्क्स हैं वो 10% रखे जाते हैं, क्योंकि 85% और 5% यहाँ से आपका कवर होता है, और शेष बचा हुआ 10% वो इंटरव्यू से कवर होता है। लेकिन 2020 में जो आपकी यहाँ पर परीक्षा होगी तो उसमें टीजीटी के लिए तो आपका इंटरव्यू यहाँ पर जो है अब नहीं होगा, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि एलटी ग्रेड में भी आपका इंटरव्यू नहीं हुआ, लेकिन हाँ पीजीटी के लिए जो है आपका इंटरव्यू होगा, और यही आपका जो है पैटर्न रखा जाएगा। तो टीजीटी के लिए ये जो पैटर्न है ये नहीं रहेगा, ये केवल पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए है। टीजीटी के लिए आपका क्या रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें टीजीटी जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए जो रिटन एग्जाम्स का क्राइटेरिया है वो 95% है, और आपको जो वेटेज मिलेगा उसका आपको जो है 5% मिलेगा, जिस प्रकार से यहाँ पर बीएड एमएड और पीएचडी या स्पोर्ट वगैरह के लिए दिया गया है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि रिटन एग्जाम्स में आपका क्या होगा, तो लिखित परीक्षा में आपकी देखेगा यहाँ पर जो लिखित परीक्षा आपकी होती है उसमें जो देखेगा यहाँ पर आपका जो है 425 अंक का आपका जो है एग्जाम्स होगा पीजीटी के लिए, तो 425 अंक का आपका एग्जाम्स होगा, इसमें से आपको जो है 75 मार्क्स 5% मार्क्स आपको जो है वेटेज के मिलेंगे, और 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। इसमें क्या है कि आपसे केवल 125 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और 2 घंटे का आपके लिए समय रहेगा, तो 2 घंटे के समय में आपसे जो है 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस आपके पीजीटी में वही होते हैं जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट है, जो भी आप फिल करोगे उसी से आपके 125 के 125 क्वेश्चंस आएंगे। बात कर तो यहाँ पर अहम होता है कि आपका जो कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पर आपके जो 125 क्वेश्चंस हैं वो आपके आते हैं ग्रेजुएट के सब्जेक्ट से अर्थात यूजी के। यूजी में आपने जो 2 वर्ष में कम से कम 2 वर्ष में, क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं कि 3 वर्ष का आपका ग्रेजुएशन होता है, उनमें कम से कम 2 वर्ष में वो सब्जेक्ट आपके पास रहा हो तो उसका आप जो है यहाँ पर भर सकते हैं एग्जाम। अब बात ये आती है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन जो है वो एसएसटी वाले स्टूडेंट्स को होता है, और दूसरा होता है आपके लिए साइंस स्टूडेंट्स के लिए, जो साइंस से करते हैं साइंस वर्ग से उनके लिए कंफ्यूजन पैदा होता है। तो इसको दूर करने का मैं आपके लिए प्रयास करूँगा कि एसएसटी के अंतर्गत आपके जो सब्जेक्ट आते हैं इसमें आपकी हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, और यहाँ पर आपका जो तीसरा सब्जेक्ट होता है वो इकोनॉमिक्स होता है, और चौथा जो सब्जेक्ट है आपके पास यहाँ पर बनते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और आपके जो हैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस वगैरह, इस तरीके से 5 से 6 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। इनमें से 2 सब्जेक्ट आपको चॉइस करने होते हैं, कम से कम 2 सब्जेक्ट आपको चॉइस करने होंगे तभी आपके जो है यहाँ पर जो है एसएसटी में अप्लाई कर सकते हैं, और ये 2 सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में कम से कम 2 वर्षों तक रहे हों तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी साइंस वालों के लिए जो कंफ्यूजन है वो है आपका देखेगा, एक तो बायो वालों के लिए है और दूसरा होता है आपका साइंस वालों के, जो साइंस में बीएससी किए हुए हैं उनके पास या तो आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों हो तो ही आप इसमें साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है यहाँ पर बायो का जो है अलग सेपरेट एग्जाम्स आता है, इसमें बायो के सभी जो पार्ट होते हैं चाहे आपका जूलॉजी हो या बॉटनी हो सभी के सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि साइंस वाले कम्बिनेशन के लिए ये जो पीजीटी में है ये तो अलग हो जाएगा, लेकिन टीजीटी में क्या है कि आपसे जो है 3 प्रकार के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायो के भी, फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी, ये टीजीटी में। पीजीटी में आपसे केवल बायो के पूछे जाएंगे, और यहाँ पर यदि बात की जाए कि आपका जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है वो आपके ग्रेजुएशन के आधार पर यहाँ पर बनेगा टीजीटी में।
सिलेबस में आपसे जो पूछा जाता है वो देखिएगा, टीजीटी के लिए आपको 10th स्तर का आपसे पूछा जाता है, जो भी 10th स्तर के आपके सब्जेक्ट होते हैं, चाहे हिंदी हो, मैथ हो वगैरह हो, जो भी आपका 10th स्तर का सिलेबस होता है वो पूछा जाता है। यहाँ पर पीजीटी में आपसे जो है 12th स्तर का सिलेबस पूछा जाता है, जो भी आपके 12th में हो। आप सभी समझ सकते हैं, जब से 2019 में सरकार आई है बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने क्या था कि 10th और 12th का जो आपका सिलेबस था यूपी बोर्ड का, वो बदलकर जो है NCERT आधारित ही कर दिया गया है। तो अब जो इसमें टॉपिक्स शामिल किए गए हैं नए, या जो पुराने टॉपिक्स थे उनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो फिलहाल के सब्जेक्ट में हैं 10th और 12th की आपकी बुक्स में हैं, तो वो सब्जेक्ट आपसे, वो टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, पुराने वाले टॉपिक्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे। प्रीवियस आपसे जो सिलेबस था वो काफ़ी बड़ा था, अब नए सिलेबस के अंतर्गत आपसे 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करें इसके कट ऑफ के संबंध में कि आपकी जो कट ऑफ है वो कहाँ तक रहती है, तो टीजीटी के लिए वैसे तो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग कट ऑफ रहती है, लेकिन विशेषतर जो है आपका जो है 100 प्लस मार्क्स पर आपका जो है बन जाता है, 100 प्लस क्वेश्चन पर आपका बन जाता है, क्योंकि मार्क्स तो आपको 425 में से लाने होते हैं, तो 100 प्लस क्वेश्चन पर आपका बनता है। पीजीटी में यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो लगभग 110 प्लस क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग आपकी प्रभावी नहीं रहती है, नेगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया लागू नहीं रहती है। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से आपको जो है सटीक इंफॉर्मेशन मिली होगी, यदि फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।